एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली आंखों से संबंधित विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक संसाधनों के जरिए न्यूनतम दर में किया जा रहा है। अब तक हजारों मरीज ऑपरेशन करवा कर लाभान्वित हो चुके हैं। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग, दुर्ग जिला ही नहीं अपितु आसपास के जिलों के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा जटिल और असाध्य रोगों का उपचार और ऑपरेशन कर मरीजों को स्वस्थ कर मानव सेवा ही माधव सेवा का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा अब तक हजारों मरीजों का सफलतापूर्वक मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर उन्हें अंधत्व की ओर बढ़ने से रोका जा चुका है। अस्पताल में नेत्र रोग के अत्याधुनिक संसाधनों के जरिए नेत्र रोग से पीड़ित मरीजों का ऑपरेशन न्यूनतम दरों में किया जाता है। अत्यंत गरीब कई मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन यहां निशुल्क किए गए हैं। कम दरों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर अस्पताल प्रशासन ने अपनी मानवता का परिचय दिया है। अस्पताल के सहायक नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेमलाल चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हाँ, मैं प्रेमलाल चंद्राकर, नेत्र सहायक एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ग्राम चिखली। मैं विगत वर्षों से, जब से हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, तब से मैं आईडी पार्ट में यहाँ पे कार्यरत हूँ। मेरे द्वारा एवं मेरे संस्थान के द्वारा गरीब, जितने भी गरीब प्रकार के आते हैं हमारे यहाँ मोतियाबिंद के लिए, जो बाहर में इलाज नहीं करा पाते हैं, पैसे लगते हैं, वो यहाँ हमारे यहाँ कम दर पे, कम रेट पे बहुत आसानी से और सुविधायुक्त और सभी प्रकार के दवाई और ये खाने वाने का, रहने का व्यवस्था, ये हम लोग बिल्कुल सुनिश्चित रखे हुए हैं एकदम कम दर पे। इसमें भारी मात्रा में हमारे पास में मोतियाबिंद के मरीज का आगमन चालू हो गया है, और कम से कम यही एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर ग्राम चिखली में 2018 से लेकर अभी तक कम से कम 5000 से आगे का मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन हम लोग किए गए हैं हमारे नेत्र सहायक विशेषज्ञ के द्वारा, और टीम है उनका। इस बेस में एसआर हॉस्पिटल में गरीब से गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छे सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे रेटिना सर्जन और यहाँ पे नेत्र सर्जन हमेशा अवेलेबल रहते हैं। किसी प्रकार के यहाँ पे कभी भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन में कोई ऐसा शिकायत अभी तक नहीं आया एसआर हॉस्पिटल में, या कहीं पे ऐसी दाग नहीं लगा कि यहाँ से ऑपरेशन होके जाने के बाद हमें ठीक से दिखाई नहीं देता। मैं तो चाहता हूँ कि ये बात अब प्रत्येक गरीब के पास पहुँचे, जिनके असहाय हैं, जिनके पास में ऑपरेशन करने का पैसे नहीं है, तो उनको भी हम लोग कम से कम में निःशुल्क इलाज के रूप में भी ऑपरेशन किए हैं। ऐसा कई लोग हैं जिनका हमारे संस्थान द्वारा किया गया है इलाज निःशुल्क। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक लोगों को चाहिए कि अपना आँख नियमित चेक करवाते रहें, चाहे बच्चे हो, छोटे हो, बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो। 40 होता है, 40 साल के बाद में प्रत्येक को चश्मा लगता है, ये सभी हम लोग जानते हैं, बताते भी हैं। स्कूल में पढ़ते हैं तो उस समय भी शिक्षक भी बताते हैं, लेकिन अपने पास के विशेषज्ञ नेत्र सहायक से या नेत्र चिकित्सक से अवश्य जांच कराएं। 60 साल के बाद, 55-60 के बाद मोतियाबिंद का आगमन एकदम चालू हो जाता है, पकना चालू हो जाता है। अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ और हजारों मरीजों का मोतियाबिंद सहित आंखों से संबंधित ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर चुकी डॉक्टर छाया भारती ने मोतियाबिंद के कारणों और बचाव को लेकर जानकारी दी। मोतियाबिंद कुदरत का दिया हुआ एक लेंस होता है, हमारे हम सब की आंख में कुदरत का दिया हुआ एक लेंस होता है, और समय के साथ जब हम बुजुर्ग होते हैं तो वो धीरे धीरे उसमें सफेदी आती है, तो वो मोतियाबिंद होता है। लेकिन कई बार चोट लगने के कारण भी मोतियाबिंद जल्दी बन जाता है, या बच्चों में बन जाता है, या फिर जवान लोगों में भी बन जाता है। तो जो कुदरत का दिया हुआ लेंस है, जब वो सफ़ेद हो जाता है तो उसको मोतियाबिंद बोलते हैं। रेटिना आँख का पर्दा कहलाता है, जो ब्रेन का भाग है जिससे हमें नज़र आती है, जो हम देखते हैं
उसको वो कैच करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। काला मोतिया का मतलब होता है कि आँख का प्रेशर बढ़ गया है और जो आँख के पीछे जो नस होती है जो ब्रेन तक जाती है उसमें दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी रोशनी धीरे धीरे कम होती है। और जो सफ़ेद मोतिया है, जो जैसा मैंने बताया कि जो हमारे आँख का लेंस होता है वो उम्र के साथ सफ़ेद हो जाता है, वो जो है वो सफ़ेद मोतिया है। सर हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन सक्सेसफुली किया जा रहा है, सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसकी मशीनें यहाँ उपलब्ध हैं और यहाँ पे महीने भर में 100 से 150 तक के मोतियाबिंद ऑपरेशन किए जा रहे हैं, सफलतापूर्वक हो रहे हैं, इनके रिजल्ट भी अच्छे हैं। जब भी इंसान को आँखों में कम दिखाई दे, कायदे से हमको 4-5 महीने में एक आँख बंद करके, इस तरीके से कभी ये आँख कभी ये आँख, इस तरह से बंद करके चेक करना चाहिए कि मेरे को किसी आँख में कम तो नहीं दिख रहा है। और अगर ऐसा महसूस हो कि कम दिख रहा है, जब भी इंसान को आँखों में कम दिखाई दे, कायदे से हमको 4-5 महीने में एक आँख बंद करके, इस तरीके से कभी ये आँख कभी ये आँख, इस तरह से बंद करके चेक करना चाहिए कि मेरे को किसी आँख में कम तो नहीं दिख रहा है। और अगर ऐसा महसूस हो कि कम दिख रहा है तो जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर उम्र ज़्यादा है या बीपी शुगर के पेशेंट हैं, मरीज हैं, और कभी आँख में चोट लगी है तो भी तुरंत जाके दिखाना चाहिए। उससे फिर समझ में आ जाता है कि आँख में कम दिखने का कारण मोतिया है या पर्दे से जुड़ी हुई कि लोग को ये तकलीफ़ है। अगर मोतिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है और सफ़ेद हो जाता है तब वो आईने में भी दिख जाता है। अभी तक मैंने करीब 20,000 से 22,000 मोतिया ऑपरेशन कर चुकी हूँ और पर्दे के ऑपरेशन मैंने करीब 5,000 से 7,000 तक कर चुकी हूँ अभी तक। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी ने कहा कि अन्य अस्पतालों की अपेक्षा यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन न्यूनतम दरों में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमधा रोड, दुर्ग। आज हम बात कर रहे हैं नेत्र विभाग की, नेत्र विभाग संबंधित नेत्र की, आँखों की। एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली में नेत्र विभाग है। हमारे यहाँ डॉक्टर छाया भारती जो रेटिना सर्जन है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, एवं डॉक्टर भाटिया साहब एवं डॉक्टर वंशरी सिन्हा, ये सभी डॉक्टर नेत्र रोग विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारा फोकस अभी नेत्र विभाग पे ज़्यादा है क्योंकि मानव जीवन में आँखों में रोशनी होना अति आवश्यक है। यदि आँख में रोशनी है तो वह सारा संसार देख पाएगा। सामान्यतः देखा जाता है कि मोतियाबिंद नेत्र से संबंधित जो रोग है वह मोतियाबिंद बीमारी गांव में 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में पाया जाता है। लोग अपने आँख के प्रति जागरूक नहीं है, सतर्क नहीं है, लापरवाही कर जाते हैं। सफ़ेद मोतियाबिंद समय रहते अगर उसका इलाज नहीं कराया जाता है तो वह मोतियाबिंद आने वाले समय में काला मोतियाबिंद बन जाता है, जिससे मरीज को दिखना बंद हो जाता है। हमने ऐसे बहुत सारे मरीज देखे हैं कि जिन्होंने गंभीर लापरवाही बरती, उनके परिजनों ने गंभीर लापरवाही बरती कि आज हम ऑपरेशन कराएंगे, कल कराएंगे, और उनका कल कभी भी नहीं आया। समय रहते इलाज नहीं कराया उन्होंने और उनके आँखों की रोशनी चली गई। जो मजदूर हैं, किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, वो आर्थिक रूप से कई बार ऐसा देखा जाता है इलाज नहीं करा सकते हैं। तो अस्पताल ने मानव सेवा को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दरों पर, कम से कम दरों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई है क्षेत्रवासियों के लिए। और मैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका चैनल है एशियन ग्रैंड चैनल, उसके माध्यम से मैं यह बताना चाहूँगा कि ह्यूमन पार्ट से जो शरीर का जो अंग है वह किसी भी दुकान में नहीं मिलता है। विश्व में ऐसी कोई भी दुकान नहीं बनी है कि जहाँ पर असली आँख मिल जाए। इसलिए आप अपने शरीर का ध्यान रखिए और सही समय पर सही इलाज कराइए।
हम सभी का दायित्व है अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग माता हैं, बुजुर्ग पिता हैं, या जो भी बुजुर्ग जो भी रिश्ता है, उनका हम ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें। गौरतलब है कि SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली ने अपने आरंभ से ही विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की उपलब्धता और कार्य कुशलता की वजह से अनेक मरीजों को नया जीवन प्रदान किया है, जिसकी वजह से कम समय में ही अस्पताल ने लोगों के बीच अपना विश्वास जमा लिया है, जो यहाँ की एक बड़ी उपलब्धि है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।